तो गाइस ये तोशिबा का S15 है। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग की मोड कहते हैं एक्स मोड आया था। अब इसको इंटर करके आप जो भी पैरामीटर्स उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ से मोड से जाना, प्रोग्रामिंग मोड में किस में जाना, आप वैल्यू यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज होगा। ये रन के लिए स्टॉप के लिए ईजी मोड है। ईजी मोड में आप जाए ईजी मोड को इंटर करके आप सी जो भी है एनओडी मोड देखो एनओडी FLSL जो भी है मोड में आप जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्किप, मैं बैक आ गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडिकेशन है रन फॉरवर्ड रिवर्स जो भी है। उसके बाद यहाँ से आप लॉक करके यहाँ पे कनेक्शन देख लो, वो सेम टू सेम 11 की तरह होगा। सारी बॉडी सेम टू सेम 11 की तरह है, कोई डिफरेंट नहीं है इसका बॉडी। इसमें RST UVW और उसके बाद ये दोनों अर्थिंग के लिए हो गया। और ये पी प्लस और जो है ये दोनों पॉइंट आपका DVR होता है उसके लिए होता है। उसके बाद सोर्स एंड सिंकिंग के लिए स्विच है, ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ, देखिए यहाँ पे ना इस स्विच को आप सेटिंग कर सकते हो, सोर्सिंग करना है, सिंकिंग करना। उसके बाद कमांड है ये, यहाँ पे S1 S2 हो गया, लो स्पीड हाई स्पीड, अप डाउन कॉमन, और एक थर्ड स्पीड है। और ये ब्रेक का पॉइंट है, मोटर कंट्रोल, ये ब्रेक कॉन्टेक्टर मोटर कॉन्टेक्ट जा रहा है मोटर का। अब ब्रेक का कॉन्टेक्टर इसने यूज़ किया है, इसके लिए ब्रेक कॉन्टेक्ट का सप्लाई यहाँ से बना रहा है। ओके दोस्तों, इस तरह करके आप इसको लॉक कर सकते हो, ये लॉक हो गया। आप ये खोलेगा कि फिर रिमूवल होता है, ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह इसका प्रोग्रामिंग मोड से आप ईजी मोड से प्रोग्राम ऐसे जो ईजी मोड में जो भी आप जाकर प्रोग्रामिंग कर सकते हो इसमें। तो दोस्तों बाकी स्पेसिफिकेशन ये लिखा हुआ है, 5 HP का ड्राइव है, 3.7 KW 5 HP। और बाई डिटेल्स दिखा दूँ आपको, अनलॉक हो गया, हुआ नहीं अब हुआ लॉक। और वायरिंग का रखा, ये किसी भी कंट्रोलर पर आप यूज़ कर सकते हो इसका ऐसे। बाकी डिटेल्स दोस्तों मैनुअल से बताऊंगा, यहाँ पे मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कैसे सेटअप करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो सीधा ही जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, हमें सपोर्ट करें।